वेलकम टू सह्याद्री फिल्म। आज हम फाइकस स्पीसीज के ना बारे में बात करेंगे। ये है फाइकस, फाइकस वायरन। और आज स्पेशली ना ये ना रूट्स दिखाने नहीं आने वालों में, ये फाइकस की यही इसकी स्पेशलिटी है। हर फाइकस वैरायटी की ये रूट्स बाहर भेजता है ना, एरियल रूट्स। ये देखिए आके ना कोई और दर ना पौधा रूट्स बाहर छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये फाइकस रूट्स को फैलाएंगा ना। अभी ये ना बारिश का ये ना सीजन है तो ये ना रूट्स बाहर फैल गए, लेकिन ना जब समर सीजन आएगा तो ये सूख जाएंगी धूप की वजह से। अगर इसको ना ये प्रोटेक्ट किया तो ना ये बच जाएंगी, लेकिन ना ना बचाने का कोई ये नहीं है अपने को फ़ायदा इनको, अगर ना क्योंकि ये सुन को ना को बचाया तो ये ना पूरे ना दीवार में जाएंगी और ये बड़ा हो जाएगा, बहुत बहुत स्ट्रांग झाड़ी है फाइकस की वो वैरायटी। ये एक फाइकस है, इसकी रूट्स में ना बचाना है ना चाहता हूँ, इसलिए ना ये लगा इसको प्रोटेक्शन छाव इसको होने बोल के। ये ऊपर वाली ना रूट्स चाहिए तो इसको ना ये धूप से प्रोटेक्शन चालू है, सनलाइट से तभी ना बढ़ेंगे। बाकी इधर भी आ रही है रूट्स, लेकिन अभी ना सूख जाएंगी समर सीजन में। ये फाइकस की यही स्पेशलिटी है, ये का ना फाइकस है बेंगलिसिस बरगद। इधर ये ना रखी थी ना ये ना टाइल्स तो ना ये छाव के वजह से देखो कितने रूट्स आ गए। सिर्फ ये ना रखी था रखा था ऐसा कुछ ये ना रूट्स आ गए। इधर देखो इधर रखे ना साइड से ना यार ये धूप आ रही है तो ना इधर रूट्स नहीं आ गए, लेकिन ये साइड को ना ये आती है छाव तो रूट्स आ गए इधर बहुत सारे। ये इसकी खासियत इसको स्ट्रक्चर रहना देने में बहुत काम आती है। ये फाइकस पांडा है, और इस पर थोड़ा ये काम ये ना चालू है, इसको ना रूट्स लानी है ऊपर से एरियल, तो ना ये करना है इसको सपोर्ट लगा दिया। थैंक यू।